सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे आपका TDS का इंट्रोडक्शन की बेसिकली TDS का इंट्रोडक्शन आपकी गवर्नमेंट ने क्यों करा, फिर उसके बाद आगे जाके उसमें देखेंगे क्या क्या आपके सेक्शन किस किस के अकॉर्डिंग हम TDS चार्ज करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज है, क्या ड्यू डेट है उसकी और कैसे हम उसको सबमिट कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके TDS के इंट्रोडक्शन की कि आपका TDS बेसिकली आपका कि गवर्नमेंट ने कैसे लेके आई और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन इसको पे करता है। तो सबसे पहला रीजन था आपका TDS का लाने का कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू कि आपका जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है वो आपका बेसिकली टैक्स से आता है। तो उसमें क्या करा आपकी गवर्नमेंट ने कि टैक्स कलेक्ट होने में गवर्नमेंट को क्या होता था, पूरे एक साल का टाइम लगता था, क्योंकि जो आप प्रीवियस ईयर आप अर्न करते हो वो आप असेसमेंट ईयर में, जो भी आपका करंट ईयर होगा उसके नेक्स्ट ईयर का, आप उसमें उसको पे कर देते। तो गवर्नमेंट के पास इसके लिए क्या पूरा साल लगता था, जो गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता है आपका टैक्स। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, एक तो रीजन ये था और सेकंड रीजन था आपका टैक्स इवेशन आपका, कि जो आपका सेकंड रीजन है वो था आपका टैक्स इवेशन कि आपकी टैक्स की चोरी कि क्या कि आपको कोई मान लो कि किसी जो आपका एम्प्लॉई है क्या करता, वो आपके पूरे साल नहीं सिक्स मंथ ही आपका एज ए वर्किंग है, तो उसके बाद फिर क्या है वो आपका टैक्स सोचता मेरा टैक्सेबल तो हुआ नहीं तो मैं टैक्स पे नहीं करता या आपने ITR फाइल नहीं करता। ऐसे ही सेम केस क्या होता था कि बिजनेस में भी कि मान लो कोई बिजनेस आपका रन कर रहा है उसमें उसके लिए कोई एक्सपेंसेस आपकी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं कि आप वो अपने एक्सपेंस दिखा के अपना प्रॉफिट कम करके उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स जमा कराओगे, बट सामने वाले की जो इनकम होती थी वो अपनी हाइड कर लेता था। तो उस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका कि जैसे मिस्टर एक ए है, इसने क्या करा एक बिजनेस स्टार्ट करा, कोई भी मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड कोई भी एक बिजनेस इसने सेटअप करके करा। तो इसने क्या करा उस बिजनेस में कुछ इनकम कमाई, कुछ आपके एक्सपेंसेस हुए तो उसको उसने इसमें से लेस कर दिया और प्लस कुछ ऐसी सर्विसेज ली कि ये तो कुछ इनकम हुई, कुछ बिजनेस चलाने के लिए कुछ ऐसे एक्सपेंस करे जिनको गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने क्या एक्सपेंस दिखा के अपने क्या प्रॉफिट में से कम करके आप जो प्रॉफिट आएगा उसका टैक्स पे करोगे। तो गवर्नमेंट ने उसको वो भी दिया कि वो ऐसी सर्विसेज है उसको भी हम एक्सपेंस मान के कि अपना प्रॉफिट कम कर लेंगे और आपका जितना भी नेट प्रॉफिट आपका आएगा आप उतना उस पे टैक्स पे कर दोगे जो गवर्नमेंट ने आपकी रेट डिफाइन कर रखे हैं। तो ये तो हो गया एक बिजनेस के लिए, बट जब इस बिजनेस ने क्या करा किसी से सर्विस ली उसको क्या कंसीडर करा दिया आपका एक्सपेंस कि जो भी आपकी ऐसी सर्विस ली बिजनेस को रन करने के लिए किस टाइप की हो सकती है कि जैसे मान लो अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करने की या आपका किसी ने ऑफिस रेंट पे लिया या कोई प्रोफेशनल सर्विस ले ली। तो इस टाइप की सर्विसेज इन्होंने ली तो उसको क्या गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना एक्सपेंस कंसीडर करके आप अपना प्रॉफिट लेस कर दोगे जिसमें जितना आपका आएगा उस पर आप टैक्स पे करोगे आप अपनी गवर्नमेंट को। बट क्या हुआ इसने तो अपना एक्सपेंस कंसीडर कर लिया बट सामने वाला पर्सन जो यहां पे जिसने सर्विस प्रोवाइड करी है उसकी क्या है जो इनकम है वो गवर्नमेंट के पास शो नहीं होती थी। जैसे मान लो कोई CA या CS आपका या CMA या कोई आपका लैंडलॉर्ड हो गया आपका, तो इन सब ने क्या करा अपनी इनकम हाइड कर ली, या कोई भी आपका प्रोफेशनल है तो उसने क्या करा अपनी इनकम हाइड करी और अपनी ITR में शो ही नहीं करा कि उसने क्या करा मेरे को ये इनकम ही नहीं हुई दिखाया ही नहीं। तो जिससे क्या हुआ गवर्नमेंट को इसको तो एक्सपेंसेस का बेनिफिट दे दिया बट इसकी इनकम पे गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ आपका। तो गवर्नमेंट ने क्या करा इसीलिए गवर्नमेंट क्या करके आई आपका TDS का कॉन्सेप्ट लेके आई कि TDS कॉन्सेप्ट में क्या करा उन्होंने कि इसमें एक तो डिडक्टर बना दिया और एक आपका डिडक्टी।
इसमें कहा कि आपका जो सर्विस ऐसी सर्विसेज लेगा तो वो तो हो गया डिडक्टर, कि वो क्लासिफाइड करेगा कि वो सर्विस की जो गवर्नमेंट ने आपकी लिमिट बता रखी है अगर उससे एक्सीड कर रहा है, अगर उससे एक्सीड कर रहा है तो उस पर टीडीएस चार्ज करेगा वो, ठीक है, टीडीएस चार्ज करेगा, और वो टीडीएस चार्ज करके गवर्नमेंट के पास जमा करेगा, कौन, आपका डिडक्टर, और जो प्रोवाइड कर रहा है वो होता है आपका डिडक्टी, जो भी आपके ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो आपका होता है डिडक्टी, जिसका टीडीएस डिडक्ट होके क्या करेगा डिडक्टर सीधा गवर्नमेंट के पास पे करा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट ला दिया, तो इसमें क्या हुआ कि जब एक बिजनेसमैन ने क्या करा, वो डिडक्टर हो गया जो आपका ए है, और इसमें क्या हो गई सारी चीज आपके कौन हो गए डिडक्टी, कि अगर कोई भी ऐसी सर्विसेज ये लेता है तो क्या करेगा इस पे टीडीएस चार्ज करेगा अगर वो लिमिट क्रॉस कर दी आपकी। तो मैंने कहा कि इसने 50,000 का मान लो एक्सपेंस कंसीडर करता हूं, कितने की सर्विस इनसे ली, तो इन्होंने कहा जी कि इस पे टीडीएस अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल है, तो इन्होंने कहा जी मैं इसमें से टीडीएस डिडक्ट करूंगा उसके बाद आपको पेमेंट दूंगा। तो क्या हुआ कि इसका टीडीएस का जो रेट है वो 10% होता है, तो इन्होंने क्या करा इसका 10% 5000 आपका 5000 लेस करा, और इसमें से 45,000 इसको पे कर दिए, जो भी आपका या आपने जो भी सर्विस इसमें से कंसिडर करी है तो उसमें से क्या करा आपका 45,000 उसको पे कर दिए। पे करने के बाद जो ये 5000 है ये इसने क्या करा, श्रेय ने सीधा गवर्नमेंट के पास पे कर दिए, जिससे क्या हुआ कि इसका तो एक्सपेंस कंसीडर हो गया ये पूरा 50,000 का, और इससे क्या होगा कि जब ये 45 देगा और इसके बिहाफ पे, ये इसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो क्या 5000 जो इसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर रहा, तो जिससे इसकी इनकम जो हाइड होती थी वो अब आप इसकी इनकम अनहाइड हो जाएगी, मीन्स क्या कि शो हो जाएगी कि आपका जो टीडीएस जमा करा है इस पे 50,000 की इसकी इनकम हुई है, जो 5,000 आपके पास टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि आपकी टैक्स की इवेशन जो होती थी वो आपकी बंद हो गई। प्लस एक पॉइंट ये था आपका, और एक पॉइंट इसमें और है कि अगर इन केस क्या होता है कि आपका डिडक्टर, जो आपका ये डिडक्टर है, क्या करता है कि इस पे टीडीएस चार्ज करके, मतलब इसको पेमेंट नहीं करता, सीधा सारी की सारी पेमेंट इसको दे देता 50,000 की, कि कहता मैंने टीडीएस चार्ज नहीं करा, पूरे 50,000 इसको दे दिए, तो इससे क्या होगा कि ये तो टैक्स भरेगा नहीं, बट गवर्नमेंट ने फिर क्या कर रखा है कि अगर ये ऐसा काम नहीं करता कि डिडक्टर क्या करेगा टीडीएस चार्ज नहीं करेगा, तो इस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि क्या आपका कि जो आप 50,000 का एक्सपेंस आप दिखा रहे हो अगर आपने इस पर टीडीएस चार्ज नहीं करा कि नॉट चार्ज, तो क्या होगा आपका इसका 30%, इसका 30% आपका जो एक्सपेंस का आपका डिसअलाउ कर देगी आपकी गवर्नमेंट, कि इसमें से क्या आपका 35,000 आपका 35,000 ही आप क्या करोगे अपने एक्सपेंस कंसीडर करोगे अपने बिजनेस में, जिससे क्या होगा अगर ये 35,000 एक्सपेंस कंसीडर करेगा तो इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इसके एक इन केस में क्या है कि यही टैक्स जमा करा रहा है उसके बिहाफ पे। तो ये था आपका बेसिकली टीडीएस का कॉन्सेप्ट जो आपकी गवर्नमेंट लेके आई थी। टीडीएस की प्रोसेस कैसी होती है, आपके टीडीएस में क्या उसका डिटेल है कि कैसे कैसे आपको डिडक्ट करना है, कैसे उसको पे करेंगे, कैसे आपका चलान कौन सा इसके लिए लगता है आपका, इसकी ड्यू डेट क्या होगी, हम तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टीडीएस की प्रोसेस होती है, कि जो आपकी टीडीएस की कोई भी कंपनी में जो प्रोसेस होगी सबसे पहले आपका क्या है कि पहला स्टेप आपका आता है जो भी आप सर्विस जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो उसको आप क्लासिफाइड करोगे कि वो टीडीएस की सर्विस है और उसकी जो लिमिट है आपकी वो आपकी क्रॉस कर रही है तो उस पर आप क्या करोगे टीडीएस चार्ज करोगे, जो आपकी गवर्नमेंट ने आपके परसेंटेज जो आपकी गवर्नमेंट ने बता रखे हैं वो परसेंटेज आप उतना टीडीएस चार्ज करोगे, मींस क्या उसमें से डिडक्ट करोगे जो भी आपकी सर्विस होगी। डिडक्ट करने के बाद पहला स्टेप तो ये होता है जिस भी मंथ आपकी वो सर्विस आपने ली है उसमें से आपने टीडीएस डिडक्ट करा। सेकंड स्टेप इसका आ जाता है कि आपका कि आप क्या करोगे इसमें किसको सबमिट कराओगे गवर्नमेंट के पास, कि सेकंड स्टेप आता है आपका जो आप टीडीएस डिडक्ट कर दो वो गवर्नमेंट के पास क्या करोगे टीडीएस डिपॉजिट बोल दो, क्या आप डिपॉजिट करोगे। एंड थर्ड स्टेप है
कि जिसमें आप टीडीएस की जो रिटर्न वो फाइल करोगे। कि सबसे पहले क्या कि आप जिस भी मंथ में सर्विस ले रहे हो उसमें से डिडक्ट करा आपने टीडीएस, उसको नोटिफाई करके फिर उसको क्या कर रहे हो, जो टीडीएस डिडक्ट करा है उसको गवर्नमेंट का जमा कराओगे। एंड थर्ड स्टेप कि जो आपने टीडीएस जमा करा है, क्योंकि डिपॉजिट के टाइम में आपका टीडीएस का अमाउंट ज्यादा खाली जो भी है, एंड आपकी रिटर्न में आप बताओगे किस पार्टी का या किस रिगार्डिंग आपने उसका टीडीएस काटा, किस सेक्शन में काटा, क्या उसकी लिमिट थी, वो प्रॉपर डिटेल सारी रिटर्न में जाएगी। एंड फोर्थ आपका रिटर्न फाइल करने के बाद आपका कि आप उसको फाइल करने के बाद आपका अगला स्टेप आता है कि आप उसको सर्टिफिकेट इश्यू करोगे, जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया तो उसकी रिगार्डिंग उसका सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट लाइक फॉर्म 16 आपका या फॉर्म 16A आप इसको प्रोवाइड करोगे, जिससे क्या आपकी सामने वाला पर्सन जो डिडक्टी है वो क्या करेगा अपनी ITR फाइल करते टाइम उसका आपका टीडीएस की जो डिडक्शन हुई है वो गवर्नमेंट को बता सकता है कि मेरा ऑलरेडी टीडीएस इतना डिडक्ट होके आपके पास डिपॉजिट करा दिया फॉर दिस पर्सन ने। फिर आपका आता है फिफ्थ स्टेप कि ये सर्टिफिकेट इशू कर देगा आपकी डिडक्टी को, और डिडक्टी क्या करेगा जो अपनी लास्ट में जो आपकी अपनी ITR फाइल करेगा या कंपनी की जिसकी फाइल कर रहा उसमें सर्टिफिकेट शो करके क्या करेगा उसका इनपुट क्लेम कर लेगा कि आपका जो आपका डिडक्टी है वो अपनी लास्ट में अपनी ITR या जो भी अपनी रिटर्न फाइल करता है उसमें क्या करेगा अपना ये सर्टिफिकेट आपका शो करके उसका इनपुट बोल दो वो क्लेम कर लेगा। तो ये उसकी प्रोसेस चलती है प्रॉपर आपकी टीडीएस की। अब इसमें बात करते हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट ने टीडीएस में आपको सेक्शन दे रखे हैं कि बेसिकली उसको क्या 24Q 26 27 आपके कैसे कैसे आपके सेक्शन दे रखे हैं, कौन कौन से टीडीएस इसमें डिडक्ट होते हैं आपके, कौन सा आपके चालान जाते हैं, कब आप डिपॉजिट करोगे, और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या होती है आपकी। तो इसमें देख लेते हैं आपके टीडीएस के फॉर्म्स आपके कि टीडीएस की आपके गवर्नमेंट ने तीन फॉर्म कर रखे हैं। आपका सबसे फर्स्ट आपका 24Q 26Q और यहाँ पे 27Q। तो इसमें तो आपकी आती है सारी जो 24Q में आपके रिपोर्ट दिखाता जो आप जो रिटर्न फाइल करते हो, तो इसमें सारी की सारी आपकी सैलरी। इसमें जो आपका आता 26 में आपका आता अदर देन सैलरी, ट्वेंटी सेवन में भी आपका अदर देन सैलरी होता है, बट इसमें NRI की नो रेजिडेंस ऑफ इंडिया आपके, कि जो आपके बाहर के पर्सन होंगे आउट ऑफ इंडिया, तो उनकी जो भी आपकी टीडीएस डिडक्ट होता है, जैसे कोई क्रिकेटर आपका आता है तो उसमें क्या वो अपनी प्रोफेशनल अपनी सर्विस दे रहा है, तो उसमें जो टीडीएस चार्ज करती है आपकी BCCI जो भी क्रिकेट आपका बोर्ड है, तो वो क्या करेगा उसको 26 जो आपका 7 है इसमें आपका शो करेगा जो उनकी रिपोर्ट्स में दिखाएगा, और उनके लिए वही फॉर्म उनके एप्लीकेबल होंगे और वही रिटर्न फाइल की जाएगी। तो ये तो हो गए इनके फॉर्म्स। अब इनकी बात करते हैं कि आप फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन आपको अलाउ करता है कि इसमें टीडीएस डिडक्ट होता है, प्लस आप जो टीडीएस डिडक्ट करोगे तो आपको कब जमा करना था गवर्नमेंट के पास, फिर उसमें उनके आ जाते रिटर्न, उनकी ड्यू डेट और कौन से चालान आप पे कराते हुए। तो जो आपको 24Q इसमें क्या आपका जो सेक्शन है वो था आपका 192, क्या आपका 192 सेक्शन प्रोवाइड करता है जो 24Q में जो भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हो जो आपको सेक्शन अलाउ करता है। फिर आपका आता है 26, तो इसके अंदर आपका सेक्शन होता है कि इसके अंदर तो 192 था, इसके अंदर क्या होगा आपका 193 से लेके 194, कि इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं 194A 194B 194J I ऐसे करके बहुत सारे आपके सेक्शन बना रखे हैं, तो इसलिए मैं आपको 193 से 194 तक आपका मेंशन कर दिया है जिसके अंदर सारे सेक्शन आते हैं आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पे TDS चार्ज करते हो। सेम केस इसमें भी है 193 से लेके 194 जो आपका सेक्शन है कि आपका जो TDS आपको चार्ज करने के लिए अप्लीकेबल करता है ये सेक्शन आपके। ये तो हो गए इसके सेक्शन। अब जो मान लो कि आपने जो TDS डिडक्ट करा वो आप गवर्नमेंट के पास कैसे सबमिट करा, तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपने TDS डिडक्ट करा है जिसका अगला स्टेप आता है, ये तो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड आपका
कि इसके अंदर जो आपका एक टीडीएस है आपका, जो आपने डिडक्ट करा उसको आप क्या करो, जो डिपॉजिट करते हो वो क्या करते हो नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट मंथ ऑफ सेवंथ कि आप 7 तारीख तक आपको डिपॉजिट करना होता है, जिसमें क्या होगा अगर आप 7 तक डिपॉजिट करते हो तो कोई भी आपकी इंटरेस्ट कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर आप उसके बाद डिपॉजिट करते हो तो आपकी पेनल्टी एंड इंटरेस्ट लगेगा। सेम केस आपको 26, 27 दोनों में आपका है कि नेक्स्ट मंथ ऑफ सेवंथ को और नेक्स्ट मंथ ऑफ सेवन, तो ये तो हो गई आपकी डिपॉजिट की। अब आप जो डिपॉजिट करते हो तो उसमें कौन सा चलान लगता है, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपका कौन सा सेक्शन है और कौन सा आपका क्यू है, कि 26 है या 24 है 27 है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन पता चल गया कि सेक्शन में आप उसका डिडक्ट कर रहे हो टीडीएस, और आपको डिपॉजिट पता चल गया कि जैसे आपने अप्रैल में डिडक्ट करा है तो आप क्या करोगे मई की 7 तारीख तक आप पे कर देना उसे, उसके लिए बट कौन सा चलान लगेगा। तो आपका जो चलान होता है इसका जो फोर्थ आपका ले लो कि चलान नंबर 281 आपका ये एप्लीकेबल होता है जो भी आप टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट तक जमा कराते हो। सेम इसमें भी आपका चलान 281, इसमें भी आपका चलान 281, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है आपका। अब ये तो बात होगी चलान की, फिर उसके बाद क्या होता है आपकी रिटर्न फाइल होती है। क्या आपने कहा कि आपकी जो रिटर्न फाइल होती है, तो यहाँ पे आपका अगला स्टेप ले लो कि जो भी आपने डिपॉजिट किया उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी होती है इनकी। अब आप बोलोगे रिटर्न फाइल क्यों करनी होगी, जैसे हमने टीडीएस डिडक्ट करा और उसके बाद सबमिट भी करा दिया, क्योंकि रिटर्न में क्या होगा आपकी जो भी रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें उसकी प्रॉपर डिटेल जाएगी सारी, कि आपका उसका पैन कार्ड क्या है, किसके रिगार्डिंग आपने कौन से सेक्शन में आपने काटा, कितना अमाउंट का डिडक्ट करा है, ये सारी डिटेल आपकी रिटर्न में बन के आपकी फाइल होती है, जिससे क्या गवर्नमेंट के पास पता चलता है कि आपने किस किस पर्सन का टीडीएस काटा और किन किन को उनको इनपुट क्लेम आगे जो उनको प्रोवाइड करेंगे वो। तो इनकी ड्यू डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि आपको इसका तो पता चल गया कि हर मंथ की नेक्स्ट 7 तारीख को आप डिपॉजिट करते हो, बट जो रिटर्न फाइल होती है आपकी वो क्वार्टरली होती है, जो भी आपकी रिटर्न फाइल होती है वो आपकी क्वार्टरली होती है तीनों के केस में। कि क्वार्टरली क्या कि आपको पता है जो आपके पूरे एक साल में जो भी पूरा पर ईयर आपका उसमें 4 क्वार्टर होते हैं आपके, ठीक है, कि जैसे अप्रैल मई जून तो एक क्वार्टर आपका, तो इसकी रिटर्न फिर ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर, फिर ऐसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, तो ऐसे करके 4 क्वार्टर है फिर इनकी रिटर्न। तो इनकी रिटर्न कब की जाती है कि जब आपकी तीनों क्वार्टर पूरे हो जाते हैं उसकी नेक्स्ट मंथ में आपकी, कि आपकी नेक्स्ट मंथ की जो भी आपकी जैसे अप्रैल मई जून का है तो आपको 31 जुलाई तक इसकी रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक है। तो इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आपको पता चल गई, कब आपको रिटर्न फाइल करनी है, कब आपकी ड्यू डेट आती है, ये सारी चीज आपने देख ली। अब इसके बाद बात आती है आपकी कि जो फॉर्म्स आप इशू करते हो, जो 6 मान लो कि एक तो आपने सबसे पहले उसको देखा किस सेक्शन के अकॉर्डिंग और किस आपके फॉर्म में डिडक्ट हो रहा है, और आपका डिपॉजिट कब करना है, कौन सा चलान लगेगा और कौन सी रिटर्न कब कब इसकी फाइल करनी है। अब इसमें बात आती है आपकी कि जो आप फॉर्म इशू करते हो, जो आप फॉर्म इशू करोगे सैलरी केस में आपका फॉर्म 16 लगता है आपका, इसके केस में आपका फॉर्म 16A और इसके केस में फॉर्म 16A। तो ये आपकी सारी डिटेल थी जो कि टीडीएस की आपको पता होनी चाहिए, कि आपको कैसे कैसे टीडीएस किस किस सेक्शन में काटना है, आपका कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है उसके लिए रिटर्न फाइल करते टाइम, और आपकी ड्यू डेट क्या है, कब आपको डिपॉजिट करना है, उसकी रिटर्न क्या है। तो ये सारी चीज थी आपकी टीडीएस की।